बोला उसने मतलब बड़ी मछली ये हम पहुंचे हैं यहाँ पर। हाँ रिजॉर्ट है और यूसुफ साहब गाड़ी लेके बंद करके खड़े हैं। अब्दुल माजिद यूसुफ और दूसरे साथी बोर्ड पर सामान हमारा तैयार है। नमाज के बाद हम लोग रेडी हैं जाने के लिए। और ये अब्दुल माजिद है और पीछे हमारे कौन सी पहाड़ी है वो सामने जो है वो चरना आइसलैंड है। तो बोट के जाने के लिए रेडी तैयार। और ये हम अपने सफर के लिए रवाना हुआ। इस वक्त हम चरना की तरफ सामने जो पहाड़ी नज़र आ रही है चरना की है। ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। इस वक्त हम लोग चरना आइसलैंड की तरफ जा रहे हैं और ये सामने जो पहाड़ी नज़र आ रही है चरना आइसलैंड की है। और ये बहुत सारी कश्तियाँ यहाँ पर शिकार के लिए खड़ी हुई हैं हम लोग, लेकिन हमारी ये मंजिल नहीं है। हम इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा और आगे जाएंगे। उम्मीद है कि हमें बहुत ही मछलियाँ मिलेंगी। तो आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छा, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगी अल्लाह की दाद से। यूसुफ तुम्हारा क्या ख्याल है, मछलियाँ मिलने का है कुछ प्रोग्राम यहाँ पर? हाँ इंशाल्लाह, एक मछली 10-10 किलो के हिसाब से हमें 8-10 मिल जाएगी। यार ये बहुत ज्यादा छोड़ो हो गया। और ये हमारे दूसरे साथी दूसरी कश्ती जा रही है। और ये ओए ओए जबरदस्त, वाह भाई वाह, जाल के साथ मछलियां पकड़ी है भाई इन्होंने। बहुत खूब मछलियां पकड़ी है और बहुत ही जबरदस्त। ये चौकी है जो आपको नजर आ रही है। इस चौकी के ऊपर बैठ कर ताज़ा हाजात पानी में की जाती है। तो बड़ा कठिन मरहला है और बड़ी जान जोखों का काम है, लेकिन उम्मीद है बता रहे महफूज रखें। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जब से हम लोग कश्ती पे बैठे हैं अब्दुल माजिद साहब मुसलसल खाने में लगे हुए हैं। पहले इन्होंने एक निमको की थैली फोड़ी है, इसके बाद ये चिप्स की थैली मेरे ख्याल में बिल्कुल ख़त्म कर दी है। और तीसरा अहम अजूबा इस वक्त हमारा ये है कि मौलाना यूसुफ साहब इस वक्त भी बैठे हुए कश्ती के अंदर चरना आइसलैंड के करीब एट बॉल पूल खेलने में लगे हुए हैं। ये देखिए अभी कौन सा मुकाबला चल रहा है, आपको कितने पैसे लगाए हैं अपने दाव पर? 50,000 रुपए का ये जुआ इस वक्त कश्ती के अंदर समंदर में बैठकर खेला जा रहा है। मैं नहीं कर सकता, नहीं मैं भी करूँगा, ठीक है करो। एक ही मछली 40 साल तक ना, ये 40 दिन तक साल कह रहे तैयारी इन्होंने की थी 40 साल तक ना। और एक ही लुक में एक ही मछली आई तब अल्लाह के मखलूक के सवाल यहाँ मछली ने अर्ज किया कि इस वक्त चरना आइसलैंड हमारे हाथ में है और हम इससे आगे निकल रहे हैं। ये हम चरना आइसलैंड से आगे निकल चुके हैं इस वक्त। चरना आइसलैंड हमारा तब में रह गया और हम मछली के शिकार के लिए जा रहे हैं। तो सूरज ग्रुप होने वाला है, बहुत अच्छा मंजर है। पहली मतलब समंदर के अंदर हम लोग रवाना हुए हैं और पानी काफ़ी खूबसूरत है। इतना नहीं करके फूल भी नहीं है, ठंड लगता है। हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। कराची आएगी ना रात का मंजर है, अभी टाइट आ रही है। और एक इंतहाई मंजर मतलब पूरा होने का तरीके
कहाँ जा रहे हैं हम? बे इंतहा खूबसूरत मंदिर है, पानी समंदर में जाते जा रहे हैं, पानी गाढ़ा से गाढ़ा होता हुआ महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ऑयल के अंदर अभी हम लोग बैठे हैं। इस तरह से लग रहा है जैसे कि बर्फ बिछी हुई है और हम उसके ऊपर दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। और यहाँ तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, खूबसूरत मंजर है, लगता है सुनहरी सुनहरी किरणें बहुत आता है पानी के ऊपर फैली हुई हैं और बड़ा ही दिलकश मंजर है। लेकिन इसके बावजूद माजी साहब बड़े खौफजुदा और हाँ बहुत ज़्यादा खौफजुदा और पता नहीं यहाँ से भागने का सोच रहा हूँ, बहुत खौफजुदा है और बार बार घर वालों को याद कर रहे हैं और तस्वीरें बनाकर बोल रहे हैं कि भाई मैं यहाँ क्यों आ गया। और यूँ हम क्या नाम है पहुँचने वाले हैं और ये तमाम लोग यहाँ पर लाइटें जलाकर और कश्तियाँ यहाँ पर तमाम के तमाम एक साथ जमा है। हम भी यहीं इंशाल्लाह ताला पहुँचेंगे शिकार के लिए, थोड़ा सा आगे और जाना है हमें। पहले हम इंशाल्लाह ताला नमाज पढ़ेंगे, इसके बाद शिकार शुरू करेंगे। قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر بعد ما كل ليه ما شاء الله أبكي كون سي أي نيم مجمج كلاش كورونا كلاش آن كورو सांप के पुत्र जगह पर है कि ये है ना निकल नहीं सकती थी। अब्दुल माजिद ने हमारे सोते सोते ये कारनामा अंजाम दिया है, सबसे बड़ी मछली पकड़ी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले अभी कांटा निकाले ना इसका जल्दी से, ग्लास से निकाले, ग्लास वो रहा ना, ग्लास वो पड़ा हुआ ऊपर फ्रिज के ऊपर है। मछली पकड़ी है ये मेरा कारनामा है, सालो सारे उल्टे क्रेडिट मेरे ऊपर डालो। अब क्या जोर मार रहे हैं यार, बस अब तो बाहर आ गई है। वो जिस जगह फंसी है ना, हमने फंसाई है, वो बड़ी खतरनाक जगह। उसने बड़ा एकदम जोर लगाया इधर उधर। सुबह का वक्त हो गया, फजर की अजानें हो चुकी हैं, लेकिन सुबह सादिक तुलू हो गया। अब यस पानी के अंदर इस वक्त नीले रंग की छोटे छोटे से चमकदार क्या चीज़ हैं ये, जो रात को भी काफ़ी चमक रहे थे, दिन में भी साफ वाजे नज़र आ रहे हैं चमकते हुए। और से देखो इस वक्त दिन निकल चुका है मछली पकड़ते हुए, हमें सुबह हो गई है फजर की नमाज के बाद हम लोग
یہاں بیٹھے ہیں اور دور دراز میں کشتیوں والے بھی نظر آ رہے ہیں. جیسے چاروں طرف کشتیاں کھڑی ہوئی ہیں شکار کے لیے, اور یہ ساتھی سارے صبح جو عبد المجید السلام علیکم, اور یہ یوسف صاحب, ان کی تمنا رہ گئی ہے کہ یہ کیا نام ہے ایک کند پکڑ لیں, ابھی تک اسی کوششوں میں یہ لے کے بیٹھے ہیں سرمائی پکڑنے کے چکر میں ابھی, اور ڈوری ڈالے ہم سمندر کے اندر مچھلیوں کے انتظار میں. اس وقت چاروں طرف پانی پانی, نیلا پانی نظر آ رہا ہے, وہ سامنے چلنا آئس لینڈ ہے اور ہم واپسی کے سفر میں. صبح کا وقت مچھلیوں کے شکار کے بعد ہم لوگ واپس مقصود کے لیے, اور یہ ہماری رات بھر کی کارگزاری ہے. یہ تمام مچھلیاں جو ہم نے رات بھر پکڑ کر جمع کی ہیں, یہ وہ مچھلیاں ہیں جو صرف کیا نام ہے بڑی والی مچھلیاں کھل ہیں, اور اس کے ساتھ ایک چھوٹے چھوٹے سے ششکے بھی ہم لوگوں نے یہ رکھے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم نے چھوٹی والی مچھلی بھی کافی تعداد اس میں ڈالے نا. بازی چلی اور ہم لوگ ساحل پر پہنچنے والے ہیں. ساحل ہمارا اس طرف ہے, اور سب سے اہم کام یوسف کے لیے نیچے اترنا ہے. یا اچھا مچھلی کو چھوڑ تو جا بس. یا اللہ خیر, یا اللہ یا اللہ یا اللہ وہ بیگ میرا دے دے بیٹا. تم بیٹا چابی کیا کرنی ہے, بیگ یہاں پر دے میں اس میں نکال تو بیگ ہی لے جا پورا ساتھ ہی. ارے کون اٹھائے بس, یا چابی جیب میں رکھ کے اتر جاتا. انتہائی خوبصورت منظر, نیلا پانی اور پیلے رنگ کی ریت اور نیلے رنگ کا آسمان, بہت ہی دلکش منظر, اتنا خوبصورت لگ رہا ہے. یہ نیول کالونی میں ہم مچھلیاں صاف کروا رہے ہیں اور اس کے پیسز کروا کے پھر ان شاء اللہ ہم چار بندوں میں ایک والے ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے.